अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। निखा साइन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो हम फिर से हाजिर एक नई रेसिपी के साथ, दही भल्ले की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार होती है और इसे हमने बिल्कुल मार्केट वाले स्टाइल में बनाई है। तो चलिए फिर देखते हैं इसे हम लोग कैसे बनाएं। दही भल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप उड़द के दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। उसके बाद मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए हैं और 150 ग्राम दही। दही बिल्कुल ठीक हिले, अगर इसमें पानी हो तो स्टैंडर में आप इसे छान ले। यहाँ हम घर का बिल्कुल फ्रेश दही यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये ठीक है। और एक हरी मिर्च, इसे हम छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिए। और थोड़े से अदरक और किशमिश, थोड़े से किशमिश ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं वरना स्किप कर दें। और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 टेबल स्पून शुगर और ये इमली की चटनी, 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून हरा धनिया चटनी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसे हाथों से फेंट लेते हैं 8 से 10 मिनट तक। इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटें। इससे बड़े फ्लफी बनेंगे। इसे फेंटने में थोड़े से मेहनत लगेंगे लेकिन बड़े बहुत अच्छे बनेंगे, फ्लफी फ्लफी। 10 मिनट हो गया है, इसे हम अच्छे से फेंट लिए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और हरी मिर्च, किशमिश और अदरक। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल को गर्म कर लिए हैं। तो अब हम बैटर को के बड़े को बना लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे पानी लिए हैं और अब हम हाथों को इसमें भिगो लेंगे ताकि इसमें बैटर ना चिपके। इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। बड़े को आप अपने अकॉर्डिंग से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसे लो फ्लेम पे फ्राई ना करें वरना तेल अंदर तक चला जाएगा। मीडियम में ही फ्राई करें। इसे हम घुमा घुमा के फ्राई कर लेंगे। ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अगर इसे हाई फ्लेम पे अगर फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर से कच्चा ही रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा, तो इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पे ही आप फ्राई करें। ये ब्राउन हो गया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। और अब हम इसे पानी में डाल देंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट तक इसी में रहने देंगे। तब तक हम दही को तैयार कर लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक को ऐड कर देते हैं, शुगर। और अब हम इसे फेंट लेंगे अच्छे से। तो देखिए इसे हम अच्छे से फेंट लिए हैं। और अब हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करके इसके पानी को निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा फ्लफी बना है, देखिए।
और अब हम इसमें दही को डालेंगे। और अब हम हरी चटनी को डाल देंगे। और अब हम इमली चटनी को डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सेव भी डाल दिए हैं। तो ये देखिए हमारे दही भल्ले बनकर रेडी हो गया। तो कैसा लगा हमारे दही भल्ले की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें और लाइक भी करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे न्यू आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे सभी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।